ओम शांति। आप सबको स्वागत है 5 जून के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम एक चैरिटेबल सोल बने, पुण्य आत्मा जो कि मन वचन और कर्म से सिर्फ दुआएं कमाती हो। कैसे करें ये देखें इस वरदान में परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भवा। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। ये सारे दिन में अगर आप सोचें, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले ये संकल्प करें कि मैं एक चैरिटेबल सोल हूँ, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, और आज जो भी मैं सोचूं, जो भी मैं बोलूं और जो भी मैं कर्म करूं, वो केवल केवल किसी का पुण्य ही करेगा। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। अगर आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, उससे आपको दुआएं मिल रही हैं और आत्माओं से, तो इसका मतलब आपका दिन सफल हुआ आज का। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हों, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। औरों के अगर आप शुक्रिया प्राप्त कर रहे हो औरों से, औरों का मन अच्छा हो रहा है, दिन अच्छा हो रहा है, उनकी सोच अच्छी हो रही है, अगर आपके सोच से, आपके बोल से, आपके कर्म से, तो वो हो गई आपके लिए दुआएं। और आज दुआएं कमानी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कलयुग में जो इंसान दुआएं कमाता है औरों से, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आत्मा आगे बढ़ती है, वही दिव्य आत्मा बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर सारी शक्तियाँ होती हैं, चाहे सहन कर करके और वह भला कर करके भी, और दुआएं दें, भला बुरा बोलें, लेकिन फिर भी वो आत्मा औरों का भला ही करती रहती है। तो ऐसी आत्मा बनने के लिए हमें ब्रह्म कुमारीज में आकर के 7 दिन का कोर्स करना है। स्व की पहचान, परमात्मा की पहचान, और परमात्मा से संबंध क्या है हमारा, और साथ ही साथ हम कैसे परमात्मा का दिव्य कर्तव्य करें ताकि हम औरों से दुआएं कमाएं। फिर बाप कहते हैं, ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। और प्राइज क्या मिलती है? परमात्मा से सर्टिफिकेट, खुद से संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट। कि आप ऐसी आत्मा बनना चाहते हैं कि आप खुद से भी संतुष्ट रहें, परमात्मा भी आपसे संतुष्ट और आत्माएं भी आपसे संतुष्ट। करें कैसे इसको? इसके लिए ब्रह्म कुमारी इसका 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ओम शांति।